बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी देखिए लगातार जनता दरबार लगा रहे हैं। इस वक्त देखिए जनता दरबार लगा है, एक बार फिर से जीतन राम मांझी थोड़ा बात करेंगे। सर, जनता दरबार आपका लग रहा है, काफ़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं आज? काफ़ी संख्या में तो नहीं आए हैं लोग, लेकिन आए हैं और आए हैं उनका हम लोग तो कोई अथॉरिटी है नहीं कि उनको हम लोग आदेश देंगे। हम लोग जो विभाग से संबंधित केसेज होता है या टेलीफोन से होने लायक होता है टेलीफोन से बात करके हम लोग उनको निराकरण करवाते हैं, और जहां लिख के अनुशंसा करने की बात है उसे लिख करके भी अनुशंसा करते हैं। और हम समझते हैं ये दोनों प्रक्रिया ऐसी है जिससे हमारे पास आने वाले लोग संतुष्ट होते हैं और हम भी समझते हैं कि इनका समस्या का निराकरण होगा। लेकिन खास हम लोग भी फरियादी से बाहर बात करते हैं, वो बताते हैं कि आपके जनता दरबार में काफ़ी आसान होता है मिलना। जनता दरबार जो मुख्यमंत्री का लगता है उसमें आवेदन की प्रक्रियाएं इतनी लंबी है कि लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। स्वाभाविक है, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनका एक अलग सुरक्षा के लिए सब शर्त रखे हुए हैं, प्रबंध है। तो और हम लोग को कहाँ है, हम लोग तो मामूली आदमी हैं, यहाँ पर कोई किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। जो आते हैं मिल रहे हैं, और स्वाभाविक है कि अगर मिलने की संख्या ज़्यादा होती है तो ज़्यादा समय लग जाता है। हम लोग प्रयास करते हैं कि उनकी समस्या का निराकरण करवावें और इसलिए उनको संतुष्ट करके चल जाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ बहुत तरह की बातें हैं, सुरक्षा की बात है और सब बात है, इस मामले में कई एक स्टेज से पार करना पड़ता है। हमारे यहाँ तो सिर्फ गेट पर रजिस्ट्रेशन करा करके लोग चले जाते हैं और जो बनता है हम लोगों को उसका अनुशंसा हम लोग करते हैं। आखिरी सवाल है, आपकी सहयोगी पार्टी जेडीयू के उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि अधिकारी जो है लोगों की बात नहीं सुनते, नेताओं की बात नहीं सुना जाता है एक तरीके से। हम तो नहीं सुनी है उनकी बात को कि उन्होंने क्या कहा है। अगर पदाधिकारी नहीं सुनते बात तो आज काम कैसे हो रहा है? आज बिहार हर दृष्टिकोण से आगे बढ़ रहा है, लाइन ऑर्डर भी ठीक है, उत्पादन अच्छा हो रहा है, यहाँ का और जितना शिक्षा व्यवस्था की बात है उसमें गुणात्मक सुधार हो रहा है। हाँ, कुछ वैसे होंगे जो नहीं सुनते हैं, अगर ये संज्ञान में बात आती है तो उस पर उचित कार्रवाई भी होती है। तंत्र मंत्र के बादशाह भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी, इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहां। ग्रह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996। चलिए, जीतन राम मांझी हमारे साथ थे, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। देखिए लगातार जनता दरबार लगाया जा रहा है और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने साफ तौर पे कहा है कि देखिए जो भी समस्या होगी उसका समाधान पूरी तरीके से ही जनता दरबार में किया जाएगा। अब बने रहें फर्स्ट बिहार के साथ, नमस्कार।